14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस हम दूसरी जगह से करेंगे। बोले इसलिए तो तेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बिठा दिया था तेरे को भी नाला देखता और हम किसी को कहें और ये करें वो करें, तू पात्र होता तो तेरे को उत्तर देने का अंदर से आता। बैठ जाने को जब कहा है तो तेरे को तो अभी नाला दिखता है, तो तेरे को क्या बताऊं ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जीव ईश्वर में भेद क्या है। वो उसने भर सभा में नाक कटा दिया। बोले पात्र बनाए जाते तो ऐसे सवाल करने वाले पात्र नहीं बनाए जाते, वेदांत के पात्र नहीं होते, पात्र बनाए जाते लेकिन ऐसा सवाल करने वाले पात्र नहीं बनाए जाते। ऐसों को खदेड़ के पात्र बनेंगे तब बनेंगे, ऐसों को खदेड़ा जाता है, पात्रता आएगी तब आएगी। ये पात्रता लाने के लिए खदेड़ना भी पात्रता है, उत्तर नहीं देना भी पात्रता बनाना है। उछलंगता हो गई, अधिकार नहीं और खड़े होके प्रश्न कर रहे हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि उदंड व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर अनाधिकारी का प्रश्न का उत्तर देवे। तो बोले अधिकारी बनाए जाते हैं लेकिन कैसे अधिकारी बनाए जाते हैं वो संत जानते, तुम क्या जानते हो। संत का हृदय आर पार दृष्टा होता है। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, ज्ञानी ते हुए न कारज हानि। आत्मज्ञानी पुरुष से किसी की हानि नहीं होती, वो जो करते हैं उसमें भलाई छुपी होती है। एक आदमी आया घाट वाले बाबा के पास, बोले महाराज कैसा जमाना बदल गया है, जहां देखो बस ऐसा वैसा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर फलाने संत डिंगड़े संत सब बोर्ड लगा के बैठ गए। ऐसा करके उन्होंने अपना खोला, मैं उसका सारा वर्णन नहीं करूँगा। वो घाट वाले में एक विशेषता थी, रोकते तो रोकते, नहीं रोकते तो मौज से सुनते रहते अथवा तो मन दूसरी जगह लगा देते। तो कितने बार कुछ का कुछ बोलता रहा, ऐसे हैं संत को ऐसा होना चाहिए। बुद्धिमान भी था तार्किक भी था, सब बोल बोल के बोले बाबा जी कुछ तो अब क्या करना चाहिए। बोले संत आजकल कोई संत सच्चा है नहीं। हाँ बोले नहीं है, कहाँ है बताओ, आपके ध्यान में है कोई। हम घाट वाला क्या बोले, मैं सच्चा संत हूँ, जब उसको कोई संत सच्चा दिखता ही नहीं। तो वैसे हैं वैसे हैं। बोले देखो संतों को ऐसा होना चाहिए और संत है नहीं। अब जो चीज़ नहीं है वो तो दुर्लभ मानते हो ना। बोले हाँ जब दुर्लभ मानते हो तो संत को ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तुम जानते हो ना। बोले हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ये भी तुम जानते हो, तो तुम ही बन जाओ ने तुम ही बन जाओ ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ये भी जानते हो, और ऐसा ऐसा संत को करना चाहिए ये भी तुम जानते हो, और आजकल ऐसे संत है नहीं दुर्लभ हो गए, तो तुम बन जाओ ना। अब क्या करें, पूछ दबा के गया तो गया फिर नहीं आया दूसरों के लिए बोलना आसान है, अपने को उस ढांचे में डाल के देखो, संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ मन के अनुसार काम करते ना वो कुपात्र हो जाता है, अपात्र हो जाए फिर कुपात्र हो जाए, और शास्त्र के अनुसार करता है तो कुपात्र पात्र बनेगा, पात्र फिर धीरे धीरे सुपात्र बनेगा, और सुपात्र के प्रश्न उत्तर से वो परम पात्र बन जाता है।
हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। शास्त्र कहता है मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मा जी जैसा ब्रह्मज्ञानी गुरु हो लेकिन जो मनमुख है वे मूर्ख फायदा नहीं उठा पाते, धकेले जाते हैं, धिकारे जाते हैं। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मवेता गुरु मिले तो भी मूर्ख हृदय चेतते नहीं। अब श्री कृष्ण तो अपने आप में पूर्ण थे लेकिन ऐसे मूर्ख लोगों का टोला कृष्ण को सताया होगा कि श्री कृष्ण को वैराग्य हो गया और 13 साल की 17 साल बिल्कुल अज्ञात हो गए। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। जो मनमुख होते हैं वे मूर्ख माने जाते हैं। अनपढ़ को मूर्ख नहीं बोलते हैं, मन के गुलाम को मूर्ख बोलते हैं। उनको श्री कृष्ण ने 108 गालियां दी। विमूढ़ा VIP कोटा के मूर्ख मूढ़। विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। शुद्ध हृदय में शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। विमूढ़ा नानु पश्यंती जो मनमुख है वो शुद्ध हृदय वाला नहीं है। जो मन जैसा मन में आया ऐसा करने लग गए वो शुद्ध हृदय के नहीं है। तो उस परमात्मा देव को पाना है तो श्री कृष्ण की बात जरूर माननी पड़ेगी। मन एवं मनुषाणाम कारणम बंध मोक्ष। तुम अगर मनमुख हो जाते हो और जैसा मन में आया ऐसा करने लगते हो तो फिर प्रकृति भी खदेड़ेगी, कानून भी खदेड़ेगा, गुरु भी खदेड़ेगा, मित्र भी खदेड़ेगा, क्योंकि तुमने घोड़े की पूंछ पकड़ी है। मन जैसा कहता ऐसा कर लेते हो लेकिन शास्त्र का मर्यादा सामाजिक मर्यादा के अनुसार करते हो तो तुम घोड़े की पूंछ छोड़कर समझो घोड़े की लगाम पकड़े हो। तो जो घोड़े की लगाम पकड़ के चलता है उसको जितना फायदा होता है वो पूंछ पकड़ने वाले को घाटा भी कितना होता है उसका वर्णन करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े राजे और घोड़े हो गए, गधे हो गए, कुत्ते बन गए, क्रिकेट बन गए, सांप बन गए, कितना घाटा है। और छोटे से छोटे व्यक्ति महान शबरी वीरन, महान धन्ना जाट और बली राजा, महाशराबी था लेकिन मन के चुंगल से बाहर आने वाली गुरु के द्वार की ठोकर उसको लगी और बदल गया तो राजा बली बन गया। तो हे राम जी, जो पेट के बल से रेंग रहे हैं, सर्प है, केचुआ है और भी जो तुच्छ प्राणी है, वो भी कभी मनुष्य थे लेकिन जो मन में आया ऐसा करने लगे, जो आया देखने लगे, भोगने लगे, खाने लगे, छुपाने लगे, तो फिर चूहे बने हैं। जो संग्रह करता है धर्म की चीज में हाथ मारता है फिर चूहे बनता है, चूहा बनना पड़ता है, पिशाच बनना पड़ता है। तो रहते तो वृंदावन में है लेकिन मनमुख होके रहते हैं तो वृंदावन भी क्या करें, पिशाच होके भटकते वृंदावन में भी। उड़िया बाबा सुबह यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे तो माँ के बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने तो उड़िया बाबा भी गए थे तो वहाँ के पुजारी को जानते थे। तो पुजारी सुबह सुबह हाथ जोड़ा हुआ मिला, अरे बोले तू इधर कैसे, तू तो मर गया था इधर कैसे सुबह सुबह। बोले बाबा मैं प्रेत हो गया हूँ। अच्छा क्यों? बोले बाबा मैं माँ के बिहारी मंदिर का पुजारी था, आप तो जानते थे ना, तो कोई चांदी का सिक्का डाल जाता था अथवा कोई सोने का छोटा मोटा तो मैं छुपा लेता था। अब आप कृपा करके मेरे घर वालों को बोलो कि मैंने घर के फलाने कोने में ये सब गाड़ के रखा है, वो निकाल के वापस कर दे, मेरी सदगति हो जाए। तो उड़िया बाबा ने फिर उसकी सदगति के लिए वो चुराया धर्म का पैसा निकलवा के उसकी सदगति। ऐसे बलराम दास महाराज हो गए,
कुछ संत मन के बड़े दृढ़ निश्चय होते हैं, 3 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं सोना है, रात को 9 बजे सो गए तो 3 बजे के बाद सोने का सवाल ही नहीं है, 5-6 घंटा नींद काफ़ी हो जाती है। समझो आपकी आँख नहीं खुलती तो आप अपनी छाया को बोल दो कि 3 बजे नहीं तो 4 बजे मेरे को जगा देना, प्राणायाम करना है, समझ गए? अपनी छाया को सोते समय बिस्तर पे कहीं भी बैठोगे तो छाया तो पड़ेगी, मेरे को 4 बजे जगा देना। 4 बजे आप तो वो छाया क्या जगाएगी, आपका संकल्प ही जगा देगा आपको। फिर आलस करके मत सो तो आप 4 बजे जग जाओगे, और 4 बजे जग के आप प्राणायाम करते हैं 4 से 5 के बीच, तो आपका स्वास्थ्य तो बढ़िया होगा, मन भी बलवान हो जाएगा, बुद्धि भी बलवान हो जाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाएगी। करनाल वाले सुन लो, तो 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लो कस के, जो सिखाए हैं गुरु दीक्षा के समय। तो जब 4 से 5 जग जाओगे, प्राणायाम आदि करोगे, तो फिर 5 से 7 जीवनी शक्ति आंतों में रहती है, उस समय कसरत कर ले, पानी पी ले, घूम ले, आंतों पर जोर पश्चिमताना करे, सर्वांग आसन करे, तो आंतें मजबूत होने से पेट की बीमारियां भी भाग जाएगी। तो 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है, और 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति का प्रभाव आमाशय में पड़ता है, तो उस समय कुछ पेय पी ले, थोड़ा सा दूध पीना है तो पी ले, नारंगी का रस खाना तो 100 ग्राम, ताकि 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, और दूध में और भोजन में 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। चाय कॉफी तो बहुत नुकसान करती है, अथवा तो भी फलों की सीजन है तो आम आम खा ले जैसे भी अनुकूल पड़े। 9 से 11 भोजन कर ले, 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है, उस समय जो भोजन करेंगे तो हृदय का विकास रुक जाएगा, हृदय में मानवीय संवेदना होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, रस होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। तो ऐसे शास्त्र और ऐसे कर्म करें, बताया कि 12 बजे के आसपास संध्या कर लेनी चाहिए, तो संध्या में हृदय भगवत भाव से भर जाता है। तो 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है, और 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। तो जो 11 बजे भोजन कर लिया, उसमें जो रस बना वो रस खींचकर जीवनी शक्ति तुम्हारे शरीर में भेजेगी, तो आप निरोग रहेंगे और लंबी उम्र रहोगे। लेकिन जो 1 से 3 के बीच खाते हैं उनका खाना खराब, खाने में से रोग बनते हैं, और 1 से 3 के बीच खाते और सो जाते हैं तो सभी डॉक्टर उल्टे होके टंग जाए, उसको तंदुरुस्त नहीं कर सकते। 1 से 3 के बीच खाना खाता है और सोता है, सारे डॉक्टर सारे इलाज करके उल्टे होके टंग जाए, वो आदमी निरोग नहीं रह सकता है। तो काय को बेचारे डॉक्टरों को तकलीफ देना, उल्टे होके टंग जाए और फिर भी फेल हो जाए। 1 से 3 के बीच भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, 11 के बाद जितना लेट उतना भोजन आपके लिए कम हित करेगा, और 1 से 3 तो नुकसान करेगा। 11 बजे नहीं खा पाते किसी कारण, तो 11:30, 12:15 बस हो गया, और 12:15 खाते तो प्राणायाम प्राणायाम संध्या वंध्या करके फिर खाओ, हृदय को विकसित करके फिर खाओ। तो 11 से 1 हृदय विकसित करने का समय है, भोजन का नहीं है। 1 से 3 खाया हुआ भोजन छोटी आंत खींचती और पूरे शरीर में देती, उस समय खाना तो फिर कच्चा रस चला जाएगा, फिर शरीर पकड़ा रहेगा। 3 से 5 जीवनी शक्ति गुर्दे में रहती, मूत्राशय में, उस समय पानी पी लेना चाहिए, और
25-30-15 मिनट के बाद खाली कर लेना चाहिए, तो पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी। और किसी को पेशाब संबंधी तकलीफ है या पथरी है तो पथरी चट, उसमें से दो दो पत्ते खाओ, कैसे भी पथरी हो चट हो जाती है, चाहे आमाशय में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे कहीं हो, पोस्टेड ग्रंथि का प्रॉब्लम हो, सब ठीक हो जाएगा। पेशाब संबंधी तकलीफें किसी को भी हो, वो डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, नली डाल देते हैं, फिर डब्बा लेके अच्छी गंदी कहीं आरम्भ, ये करें तो पेशाब संबंधी तकलीफ नहीं होगी। 3 से 5 के बीच अच्छी तरह से पानी पी लें और फिर खाली कर दें 5 के पहले पहले। और 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में होती है, उस समय शास्त्र पढ़े, ध्यान करे, दिमाग को विकसित करने का काम 7 से 9। बच्चों को भी पढ़ाओ लेकिन थोड़ा सारस्वती मंत्र का जप करके, भगवान का, गुरु का थोड़ा चिंतन ध्यान करके, फिर बच्चे पढ़े 7 से 9 के बीच, अच्छे मार्क लाएंगे। और ट्यूशन करने के बावजूद भी कई छोरे फेल हो जाते क्योंकि रात को देर तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो प्राण शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति कुंठित रहती, तो ट्यूशन करते हुए, चोरी करते हुए भी थर्ड क्लास। काय को चोरी करना, काय को ट्यूशन ज्यादा करना। तो 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में होती है, 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति करोड़ रज्जु में होती है। उस समय 9 से 11 के बीच कोई सो जाता है तो सारी थकाने छू हो जाएगी, नींद का ज्यादा में ज्यादा फायदा मिलता है 9 से 11। फिर 11 से 1 हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं, जो 11 के बाद जगते हैं तो समझो बुढ़ापे को बुलावा देते हैं, 10 के बाद जगते हैं तो भी थकान मिटाने में मेहनत करेगा शरीर, लेकिन 10 के पहले सो जाते हैं तो मैं, ये तो मेरे को अभी आया शास्त्र की बात, लेकिन मेरे को पहले से ही अंदर प्रेरणा हो जाती थी। कभी बहुत परिश्रम होता, बहुत यात्रा होती तो सेवक को बोल देता कि दूध बूध के लिए खटखटाना नहीं, रखना नहीं, मैं कमरे में चला जाता, थोड़ा बहुत ध्यान हुआ, न हुआ, थकान है, सो गए, 9, 9:30, 10 बजे सो गए। आए रात को सोए तो बूढ़े बापू और सुबह उठे तो जवान बापू, तो रोज जवान बन जाता हूँ। जब भी थकान होती है बुढ़ापे जैसी तो जल्दी सो गए तो सुबह जवान, नई कोशिकाएं बनती, थकान मिटती है 9 से 11 के बीच और नई कोशिकाएं बनती है 11 से 1 के बीच। और 1 से 3 तो भूल कर भी ना जगे, जो 1 से 3 जगते रात को काला मुंह करने के लिए, पति पत्नी का व्यवहार करने के लिए, एक तो तबाही, वो जीवनी शक्ति नाश होती है और दूसरा लीवर खराब होने के संभावना बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने की संभावना, नेत्र ज्योति नाश होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 से 3 के बीच अगर जगे तो नेत्र ज्योति, बुद्धि के ज्योति, मन ज्योति सब डाउन हो जाती। तो बाबा ऐसा किसी को देखा है क्या आपने? हजारों को आप देख सकते हैं, ट्रक ड्राइवर रात को ड्राइविंग करते हैं, उनकी बुद्धि ज्योति डब्बू, मन ज्योति डब्बू, नेत्र ज्योति डब्बू, क्या ख्याल है? निर्णय ज्योति डब्बू। तुम्हारे हमारे से ट्रक ड्राइवर मेहनत ज्यादा करते हैं, 5 कर्म इंद्री लगाते, 5 ज्ञान इंद्री लगाते, मन भी लगाते, तुम हम तो बैठे बैठे 2 मिनट आंखें बंद कर लें, वो 2 मिनट आंखें बंद कर दे तो कईयों को लेके मर जाएगा। इतना सावधानी से मेहनत करता है वो, ट्रक का मालिक आरटीओ टैक्स भरता है और ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स देते हैं, फिर भी रास्ते में 4 सिपाही खड़े होकर उनको गाली गलौज देके घंटों भर तंग करते और पैसे नोचते रहते। आज तक उनकी किस कोई संगठन कोई सुनवाई नहीं होती,
नोचे जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं है, बुद्धि में पावर ही नहीं प्रतिक्रिया करने का, मन बुद्धि में प्रतिक्रिया का पावर ही नहीं है। देखने में तो है, लगते हैं, संबल बंबल भी रखते हैं, डंडे वंडे भी रखते हैं, लेकिन चार वर्दी वाले मिल गए, डजनों ट्रक ड्राइवर सुकड़े सुकड़े रहेंगे। अगर वो हल्ला करने लग जाए, फोन बोन करने लग जाए, बोले हमको तंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, अखबार वाले आ जाए और पोल खोल दें लूटने वालों की। लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं करते तो लूटने वाले लूटते रहेंगे। किसी ट्रक ड्राइवर को तुमने देखा कि अच्छी कोई महंगी जगह में उसका अपना कोठी है ट्रक ड्राइवर की, देखी क्या? मैंने तो नहीं देखी। अपना बंगला है, अपनी कोठी है, अपना फ्लैट है, दिल्ली में, बंबई में, हरिद्वार में, अच्छी जगह पर ट्रक ड्राइवर का फ्लैट है, उसकी कार है। नहीं, अगर है तो रात को 11 से 3 के बीच नहीं जगता होगा। तो 11 से 3 के बीच जगने वाले का मन बुद्धि जीवन दब्बू हो जाता है। अब समझ गए, लेकिन 1 से 3 पे तो काला मुंह करने के लिए भी नहीं, और बोलो सफेद मुंह करते तभी भी नहीं जगना। बोले काम धंधा करते हैं, जरा कल कोर्ट में खड़ा होना है, इसलिए 1 से 3 के बीच पढ़ता हूँ, वो काला मुंह के बराबर ही है। 1 से 3 के बीच नहीं जगना चाहिए, लीवर को नुकसान होता है, नेत्र ज्योति को नुकसान होता है, जीवनी शक्ति बुद्धि दब्बू हो जाती है। करनाल वाले सत्संग के बहाने देखो तुमको कैसा बढ़िया, कभी नहीं सुना होगा, भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं सत्संग सुनने को, और भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते हैं, भगवान राम वशिष्ठ के आश्रम में ले जाते सीता जी को, और 14 साल के वनवास में भरद्वाज आश्रम में, अत्रि आश्रम में, अंगिरा आश्रम में, अनुष्या आश्रम में और ऋषियों के आश्रम में सीता को, लखन लाला को ले जाते, स्वयं भी सत्संग में बैठते। मेरे गुरुदेव साल में 2 महीना एकांत के रखते थे, नैनीताल में विराजते थे, फिर इधर आ जाते हरिद्वार में। और मुझे पक्का याद है, हरिद्वार में कहीं भी ठहरते तो नीलधारा के तरफ शाम को घूमने जाते, मैं भी श्री चरणों में जाता। जब घूम के आते तो लौटते समय अथवा सुबह घूमने जाते तो त्रिवेणीपुरी महाराज का सत्संग संन्यास आश्रम है नीलधारा के नज़दीक, वहाँ सत्संग चलता रहता, तो मेरे गुरुजी चुपके से श्रोताओं के लाइन में बैठ जाते। जिस समय मेरे गुरुजी 88 साल के थे, अब गुरुजी बैठे तो चेला जी क्या सत्संग से भागेगा क्या, मैं भी पास में बैठ जाता। फिर वो त्रिवेणीपुरी महाराज की नज़र, अरे ये तो लीला सभा पूज्य महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आइए आइए, अपने साथ बिठाते थे। क्योंकि त्रिवेणीपुरी महाराज को पता है कि लीलाशाह प्रभु का जो शिष्य है मनोहर दास, वो वेदांत का इतना बढ़िया सत्संग करते थे और वेदांत सम्मेलन करते कि निरंजन देव तीर्थ जोशी मठ के शंकराचार्य भी उनका सत्संग सुनने की बात करते थे। मेरे गुरुजी के शिष्य का सत्संग जगत गुरु निरंजन देव तीर्थ सुनने की ख्वाहिश रखे, तो ऐसे गुरुजी श्रोताओं में बैठे तो त्रिवेणीपुरी महाराज उठ के उनको अपने पास बिठाते। तो सत्संग का इतना महत्व है, मेरे गुरुजी तो सत्संग जानते थे, करते थे, आत्म परमात्मा का अभेद भेद अभेद ज्ञान हो गया था उनके लिए, ईश्वर दूर नहीं था, दुर्लभ नहीं था, परे नहीं था, पराया नहीं था। नीम के पेड़ को आदेश दिया योग शक्ति से, तो नीम का पेड़ खिसक गया तो मुसलमान भाइयों ने चरण पकड़े कि 42 साल से हमारा झंझट था, नीम का पेड़ सीमा पे चला गया, आज से आप लीला राम नहीं लीलाशाह प्रभु। तो फिर हमारी राम परंपरा है, केशव राम, दाता राम, लीला राम, आशा राम, लेकिन लीला राम जी लीला शाह जी हो गए, मुसलमानों ने उनको नवाजा। नीम का पेड़ शक्ति
ऐसे महापुरुष भी सत्संग होता है तो त्रिवेणीपुरी महाराज के आश्रम में, तो मैंने श्री चरणों में बैठकर त्रिवेणीपुरी महाराज का सत्संग सुना। मेरे को नाम भी याद है उनका, संन्यास आश्रम अभी भी है कंखल शंकराचार्य चौराहे के पास में ही, त्रिवेणीपुरी महाराज का संन्यास आश्रम। तो कहने का मतलब है भगवान राम हो चाहे श्री शिव जी हो चाहे श्री कृष्ण हो, लेकिन आत्म परमात्मा का ज्ञान का सत्संग सभी के लिए आदरणीय है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते, वो वालुड़ा भी है कृष्ण भी है अंबाजी सभी रूपों में, कस्मिन देवाय हविषः, उपनिषद में प्रश्न आया किस देवता के लिए हवन कर रहे हो, बोले किस देवता के लिए हवन कर रहे हैं, उसी देव के लिए करते हैं जो वास्तविक में सबका अंतरात्मा है। ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः, ओम कुबेराय स्वाहा ओम इदम कुबेराय नमः। तो कुबेर में वरुण में इंद्र में वास्तव में देव कौन है, वही अंतरात्मा देव है, और उसी देव से तो हवन की सामग्री उठती है। तो वास्तव में देखा जाए सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, केशव शब्द भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में का एक नाम है, और केशव में क श और व है, क माना ब्रह्मा श माना शिव म माना व माना विष्णु। जो विष्णु का आत्मा है, शिव का आत्मा है, ब्रह्मा जी का आत्मा है, वह केशव है, और जो केशव है वह अच्युत है। ब्रह्मा विष्णु शिव के पद तो महापरले में चट हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शिव और तुम्हारा हमारा आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अच्युत। तो वास्तव में तुम अच्युत हो, तुम केशव हो, तुम राम नारायण हो, जो राम का नारायण का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा है। जैसे ग्लास का आकाश, फिर कुल्लर का आकाश, घड़े का आकाश, सुराई का आकाश, मठ का आकाश, मेघ का आकाश, सब में महाकाश है। मेघ में भी महाकाश है, मठ में भी महाकाश है, में घड़े में कुल्लर में और ग्लास में महाकाश ही है, सब में महाकाश और सब महाकाश में, ऐसे ही सब में भगवान और सभी ही भगवान में। तो आज से पक्का कर लो कि हम भगवान में रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक है तो भगवान के सिवाय की चीज़ कहाँ है, हम भगवान में रहते हैं और हम में भगवान रहते हैं। ऐसा मानकर थोड़ा बहुत भी सेवा और भजन करोगे ना तो हजार गुना फल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपाश्रित मत चित्त सततम भव, बुद्धि योग से उपासना करो तो मेरे में तुम्हारा चित्त सतत हो जाएगा। जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, कहीं सफ़ेद ट्यूबलाइट कहीं जलती होगी, ये जो सफ़ेद सफ़ेद छोटे मोटे बल्ब निकले ना वो आँखों के लिए नुकसान करते, अपन तो पुरानी पद्धति वाले बल्ब जला रहे हैं। तो बल्ब हो, ट्यूबलाइटें हो छोटी मोटी, अथवा पंखे हो, एम्पलीफायर हो या टिल्लू हो या कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस हो, सब में लाइट एक है। ये आपके बुद्धि में ऐसा थोड़ी, सब में लिखा होता है कि सब में लाइट एक है, आपके बुद्धि में ये योग है कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी है बिजली के सहारे चलते हैं, सब में लिखा होता है कि सब में लाइट एक है, आपके बुद्धि में ये योग है कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी है बिजली के सहारे चलते हैं, और पानी का बर्फ बनाता है फ्रिज और पानी उबाल देता है गीजर, लेकिन लाइट दोनों में एक है, साधन अलग है, उसमें हीटर है और उसमें फ्रीजर है। ऐसे ही मन बुद्धि अलग अलग है, शरीर और संसार अलग अलग है, इसलिए अच्छे बुरे दिखते हैं, लेकिन मैन सत्ता की है। खेत में गन्ना भी वाय पास में मिर्च बो देते तो तीखे, और इमली का पेड़ खटास देता है, नींबू खट्टे, और गेहूं तो सप्त धातु वर्धक है,
चना मूंग मटर मटर ये प्रोटीन वाले हैं, पपैया का अपना गुण धर्म विटामिन्स केले का अपना, लेकिन है तो वही पृथ्वी और सूरज के किरण वही है। संस्कार अलग अलग तो चीज वस्तु अलग अलग दिखते हुए भी सब पांच भूत हैं। ऐसे ही शरीर सब पांच भूत के और पांच भूत हैं प्रकृति के, और प्रकृति के अंदर भी सत्ता उस सच्चिदानंद प्रभु की है। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, सब जगह अपने वासुदेव प्रभु को जो जान गया ऐसा महात्मा का दर्शन सत्संग सुमरण बड़ा दुर्लभ कहा गया है। तो मुझे ऐसे महात्मा मिल गए लीलाशाह प्रभु जी, नरेंद्र जी को ऐसे महात्मा मिल गए रामकृष्ण, रामकृष्ण जी का पहले गदाधर पुजारी, काली माता की पूजा बड़े चाव से सच्चाई से करते थे। तो काली माता प्रकट होकर कहा कि तोतापुरी गुरु का सत्संग करो। काली माता उन पर बड़ी मेहरबान थी, तभी भी उनको आज्ञा दिया कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो सत्संग करो। बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है तो मेरे हाथ का गजरा स्वीकार करती है, मैं सूंघ के लाता हूँ सुगंधी है कि नहीं, कभी प्रसाद ले आता हूँ तो चक फिर तुम रखता हूँ तुम भी खाती हो, इतना मेरी मैया तुम मेरे पर प्रसन्न हो फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। तो गदाधर को काली माता ने कहा कि ये तो भाव बल से पांच शरीर हैं हमारे अंदर, अन्नमय शरीर प्राणमय शरीर मनोमय शरीर, मनोमय शरीर से भावना होती है, उसके अंदर मतिमय शरीर है विज्ञानमय शरीर बोलते हैं, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसकी गहराई में परमात्मा है। वो आंखों से नहीं दिखता, मन से नहीं दिखता, बुद्धि से नहीं समझ में आता, सत्संग से मन बुद्धि उसमें विश्रांति पाते हैं, वो काम गुरु जी कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान राम भी गुरु की शरण जाते हैं वशिष्ठ महाराज के, भगवान कृष्ण भी श्री सांदीपनी की शरण जाते और भी घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में 17 साल रहे थे श्री कृष्ण। तो सत्संग की जरूरत तो भगवान के दर्शन के बाद भी रह जाती है और भगवान भी सत्संग का महत्व बखानते हैं। तुलसीदास महाराज ने सत्संग करके ध्यान करके अपनी सुषुप्त शक्तियां जागृत की और रामायण लिख डाला। उनके मन में विचार आया कि अपने देहात में बुरी भाषा वाले अब जाएं अपने पुराने बूढ़े बुजुर्गों को भी जरा राम कथा सुनाए, तो चल पड़े अपने वतन के तरफ। और किसी ने अरे तुलसी आई थे रे, ओ राम लखन, ओ जगुआरे, ओ सुंदर है भैया, ओ तुलसी आई थे, आए का भैया आए का बैठ आए का, सब दौड़े दौड़े आए। कैसन भैया तू तो साधु बन गए रहे, लेकिन अच्छा किया तू तो आ गया। अब गांव वालों को पता नहीं कि तू तू नहीं बोलना चाहिए, वो तो बेचारे अपनी सहजता में बोल रहे हैं तुलसीदास जी बुरा क्या माने। हाँ बोले भगवान की कृपा हुई। अरे भाई तो को तो औरत ने सुना दिया महीना मार दिया और तो लग गए हो तो भाई संत बन गए हो, अच्छा कियो अच्छा किया है। ओ राम लखन जरा दाल चावल बनाई दे, जरा हलवा रगड़ दे। हाँ और सुने दही है ना, वो सीधा दही खाने से तो वो हार्ट अटैक होई था है, ब्लॉकेज होई था है, सीधा दही ना खाए का। और संत लोग बोलते मथ के लस्सी बना के मक्खन भी खा ले लस्सी पी ले, दही सीधा खाना लंबे समय के बाद उसका बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। दही को मथ के लस्सी बना के लेना चाहिए और खट्टा दही खट्टा लस्सी नहीं। अच्छा जरा दही का मथ के लस्सी बनाए का हलवा बनाए का सिरो लापसी को बोलते हैं हलवा बनाए का, आओ तो बनाता रहे। लोग आते रहे तो देखा इतने सारे लोग आए तो थोड़ा बर्तन बर्तन ज़्यादा हो गए, लोग खा के चलने लगे। हाँ बर्तन ज़्यादा निकल गए। हाँ वो बनाने वाला अपने गांव का ही था बूढ़ा बुजुर्ग, उसने देखा कि तो सब खा के चले जाएंगे, इतने सारे भांडे कौन मांजेगा, तो तुलसीदास पर नज़र डाली उसने। अब तुलसीदास समझ गए कि ये काका बर्तन मंजवाने का करेगा। तो तुलसीदास ने
सोचा कि हम तो हृदय मांजने को आए थे, बर्तन मांजेंगे तो ये लोग कथा से वंचित रह जाएंगे। तो बर्तन तो मांज लेते हो तो महापुरुष हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो दिल मांजने को आए थे। तो तुलसीदास ने कहा अब कहाँ जाए तो है सब बैठे का, हम कथा सुनाई थो राम कथा, रामायण का चकाचक फायदा होता है। तो बूढ़ा जुझलाया, दाल चावल खाई खाई तो मजा आई था, हलवा खाई तो सुरसु लागी था, अब बटलवा माजे को बिटवा का था सुनाई था दुत तुहार बटलवा माजे का। तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी, तुलसी कमहु न जाइयो अपने बाप के गाँव, तुलसी का बहू न जाइयो अपने बाप के गाँव, दास गयो तुलसी गयो रहो तुलसियो नाम। छोरी की शादी हो गई, पति ऑफिसर था, 5-7 सिपाही वर्दी में रहते थे, आईएएस किया था लेकिन अच्छी पोस्ट मिली थी आईपीएस आदि की। जब ससुराल गई, अरे जसी आ गई, अरे जसी आ, वहाँ तो जसी देवी मैडम साहब बड़े बड़े थानेदार डीवाईएसपी आदि सलाम मारे मैडम को, और मायके गई तो सहेलियां तो ऐसा थोड़े सलाम मारेगी, अरे तो आ गई, कैसा है, क्या है, कैसा आ रही। तो एक सरदारनी लड़की की शादी हो गई, अरे तो आ गई मायके, कैसा है, तेरा पैक ही करता है, तेरा पति की काम करता है, फायर ब्रिगेड में सी। अरे बोले फायर ब्रिगेड में काम की करता है, बोले मैनू पता नहीं। अरे फायर ब्रिगेड तो लड़कियां थी जरा मजा की, बोले फायर ब्रिगेड में तो आग बुझाता है कि आग लगाता है, बोले मैनू पता नहीं, आग बुझाता है ये लगाता है मैनू पता नहीं। बोले लड़कियों ने तो चुटकी ली सहेलियों ने, लेकिन वो तो सरदार की पत्नी थी ना, सरदारनी थी वो, सरदार बेचारा बोला तो फिर वो सरदारनी भी थोड़ा बोलेपन का चुटकी का मजा। फायर ब्रिगेड में काम करता है मैनू पता नहीं, लाए आग लगाता है कि आग बुझाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड में काम कर दे सी। धन है धन, बोले ये मेरे को किसी ने चुटकुला सुनाया। तो ये 9, 7 से 9 के बीच भगवत ध्यान, भगवत भक्ति और भगवत संबंधी चुटकुले थोड़े करके प्रसन्न का समय है। अब क्या करो, भगवान का नाम लेके हास्य करो, फिर सोने का 9 से 11 का अथवा 10 से आसपास का समय सोने का रखोगे तो स्वास्थ्य लाभ बहुत होगा। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम वालुड़ा ओम ओम अम्बे माँ ओम ओम गुरु जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम स्वास्थ्य दाता ओम गुरुदेवा ओम 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 नरसिंह मेहता गुजरात में थी गया। नरसिंह मेहता ने कहा ज्यां लगी आत्म तत्व छीनियो नहीं त्यां लगी साधना सर्व झूठी। चाहे दुनिया की कोई भी साधना उपासना करो, आत्मज्ञानी गुरु के सत्संग से अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया तो सारी साधना नश्वर फल देके नाश हो जाएगी। रावण प्रत्यक्ष प्रमाण है, बड़ी साधना की, सोने की लंका बनाई, फिर भी क्या मिला। लेकिन शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग मिला, सती सीता जी को वशिष्ठ गुरु का सत्संग मिला, सती अनुष्या सत्संग करती थी और सत्संग सुनती थी।
मेरे गुरुजी सत्संग करते थे, तो जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन सभी को खूब खूब शाबाश, धन्यवाद, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब गर्मी के दिन है, पलाश का शरबत मिल जाए तो पीना चाहिए, गर्मी से सिर को बचाना चाहिए। और जिनकी आंखें जलती हो, पेशाब में खून आता हो अथवा जलन होती हो, तो नाक से नकोड़ी फूटती हो अथवा शरीर में थोड़े दाने दाने हो गए हो, तो पलाश के शरबत से बहुत फायदा होता है। और धनिया 50 ग्राम, जीरा नहीं, धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम कूट के चूर्ण बना के रख दो, 11 बजे तक भोजन कर लो, फिर वो भिगा दो 10 ग्राम 12 ग्राम एक गिलास पानी में, फिर 3 से 5 के बीच पानी पीने का समय है, उस समय मसल के पी ले। आँखों की जलन, मासिक धर्म की तकलीफें, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, फूड़ी फूंसी, ये सब भाग जाएंगे और नींद अच्छी आएगी। जय श्री कृष्ण, हरि ओम हरि ओम। कहते हैं नीचो के चले जाते, लेकिन तू निर्विकार ओम स्वरूप मेरे आत्मदेव, हमें अपनी प्रीति, अपना रस, अपना ज्ञान, अपना सामर्थ्य से संपन्न कर देता है। प्रभु तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, आनंद देवा तुम्हारी जय हो, माधुर्य स्वरूप तुम्हारी जय हो, जय हो। जय हो। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेज, तुम्हारा नाम मधुर से मधुर, तुम पावन से पावन, तुम मंगलों का भी मंगल करने वाले हे ओम स्वरूप अंतर्यामी परमेश्वरा, हे ओम स्वरूप मेरे गुरुदेवा, जय हो। आज रे आनंद भयो, सतगुरु आया पामणा, जोगी आया पामणा, परमेश्वर आया पामणा, जय हो मेरे रांझा मेरे राणा, तेरे बिना हम थे बेगाना। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, गंगा के किनारे साधकों की दिल की गलियों में, सप्त सरोवर आश्रम में, बापू आश्रम में, साधकों की दिल की गलियों को बंसी बजैया। मधुरम मधुरे भ्योपि मंगले भ्योपि मंगलम, पावनम पावने भ्योपि हरे नामेव केवलम, ओम नामेव केवलम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी शराब, सत्यानाश करके उतर जाएगी तू, हरि नाम की प्यालियां पी तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, सम्मानित हो जाएगी। हाँ 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 बिल्कुल। ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी,
ओम गुरु जी। जय हो। मीरा भाई प्रेम दीवानी, घिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची। तो हम हरिद्वार में हर के रस में, हरि के रस में पावन हो रहे। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो भक्तों का बेड़ा तरता, साधकों का बेड़ा तरता। ओम ओम मेरे रब्बा, ओम मेरे राजा, ओम मेरे आत्मदेव गुरुदेव, ओम। कुछ लोग बोलते हैं कि मंसूर को गुरु ने मना किया था कि कुपात्र के आगे अनुभव नहीं बोलना, उनके आगे बोले तो विरोध हुआ, उनको शूली पे चढ़ा दिया, सुकरात को जहर दे दिया। तो घाट वाले बाबा से मंसूर ज्यादा ऊंचे थे। ये बुद्धि का दीवाला है। ज्ञानी व्यवहार कुशल होना चाहिए भाई। ज्ञान के अधिकारी कोई नहीं होते, अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिले बिरंजी सम, ये बात भी समझनी चाहिए। जो पहली क्लास वाले हैं उनको दूसरी में और छठी वाले को आठवीं नौवीं दसवीं में ले जाते, लेकिन जो स्कूल का विरोधी है उससे सिर खपाना। तो शास्त्र ने तो कहा है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। जो उपेक्षणीय लोग हैं उनके बीच हम ब्रह्मास्त्र बोलने का क्या मतलब होता है? उनको आध्यात्मिकता से लेना देना नहीं, वितंडावाद है। और श्रद्धालु है मांस मदिरा कबाब शराब जुआ, सत्यद्रोही है। उनके आगे सत्य की बात करना ये मंसूर की मस्ती नहीं है, व्यवहार अकुशलता है। यानी व्यवहार कुशल होना चाहिए। बहुत शुद्ध होना चाहिए। घाट वाले बहुत शुद्ध थे। मंसूर घाट वाले से बड़े थे, ये थे या छोटे थे इस चक्कर में मत पड़ो। बोले गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या का मंत्र सिद्धि किया। बच्चों ने बोला महाराज हमने तो बैलगाड़ी बना दी, अब वो चालक नहीं बना पाते,
गोरखनाथ ने टाल दिया एक दिन, तो दूसरे दिन फिर उन्होंने प्रार्थना की श्रद्धा भक्ति नम्रता स्नेह से। संत का हृदय पिघल गया, उन्होंने एक छोटा सा बालकों के लिए बालक ही चालक बनाया। लेकिन संजीवनी विद्या के मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि बालक सजीव हो गया और दूध पिलाया उस मिट्टी के पुतले को, पी लिया, हाथ पैर हिलने लगे। मच्छिंद्र नाथ ने गांव वालों को कहा कि महापुरुष बनेगा। जिन दंपति को संतान नहीं थी, कनक गांव में मधु भाई ब्राह्मण थे और गंगा भाई, तो बालक का नाम गहनीनाथ रखा। उनको बालक सौंप गए, कभी कभार हम आएंगे, आते रहे। वही बालक गहनीनाथ 84 सिद्धों में महापुरुष हुआ। मिट्टी का पुतला गहनीनाथ बन गया। इतना ही नहीं, महेंद्र उनका शिष्य था और नेपाल नरेश की उद्दंडता बुद्धिज्म को बढ़ावा देते और सनातनियों को सताते थे। तो गोरखनाथ के पास फरियाद करके आए प्रार्थना करने को। गोरखनाथ ने समझाया, थोड़े दिन ठीक रहा, फिर वो ऐसे ही सताने लगा। तो गोरखनाथ ने अपने वसंत शिष्य को कहा, महेंद्र देव राजा वचन देकर धोखा करता है, तो तुम जितने भी मिट्टी के सैनिक बना सको बनाओ। उसमें संजीवनी विद्या के बल से जीवन संचार कर दिया जाएगा। ढेर बनाए, संजीवनी विद्या के बल से उठ खड़े हुए। अस्त्र शस्त्र विद्या के बल से उनको अस्त्र शस्त्र दे दिए गए और धावा बोलने की आज्ञा कर दी नेपाल पर। महेंद्र देव राजा को परास्त कर दिया, वो गिड़गिड़ाने लगा। हम वसंत को अपना दत्तक पुत्र मान लो, उसको साथ से आकार देखे, मुख्यमंत्री तुम बनो लेकिन राजा ये रहेंगे, तो प्राणदान मिलेगा वरना समझ लो। तो महेंद्र देव राजा परास्त राजा वसंत को राज्याभिषेक करा और उस मिट्टी के सैनिकों में से जो प्रजा बनी गोरखनाथ की कृपा से बनी, वो अभी भी नेपाल के गोरखे कहे जाते हैं। दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता इस बार नए आयाम पर आ पहुंची। वर्ष 2008 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 4,55,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विद्यार्थियों के महान आचार्य ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापूजी के पावन मार्गदर्शन और सत्प्रेरणा से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ते बढ़ते इस साल 25,57,823 हो गई है। समय के इतने छोटे से अंतराल में 5 गुना से भी ज्यादा हुए, ये आंकड़े बताते हैं कि बापूजी के ज्ञान की प्यास किस कदर देश के विद्यार्थियों और युवाओं में बढ़ रही है। एक खास बात हम यह कहना चाहेंगे कि वर्ष 2006 में जब युवा धन सुरक्षा अभियान
संस्कार के शिक्षकों में मनोबल भरते हुए पूज्य बापूजी ने जो ब्रह्मवाणी की थी, इस बार उसका साकार रूप में देखने को मिला, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। शिविर की शिक्षिकाएं भी बैठी बच्चियां और आप लोग भी। युवा धन अभियान आपका 12 लाख का प्रोजेक्ट है, लेकिन 12 लाख तो हंसते खेलते हो जाएगा, 25 तक पहुंच सकता है, चिंता करने की बात है। अभियान आपका बिल्कुल सफल होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इस बार हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी 25 लाख से भी अधिक हो गए, संख्या रही 25,57,823। साथ ही प्रतियोगिता की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में विजय हुए सौभाग्यशाली विजेताओं को पूज्य श्री के कर कमलों से स्वर्ण पदक और टेबलेट जैसे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। मैं सरकार को बोला, थोड़े दिन तुम्हारा सरकार चलाओ, बाद में हमारे लाखों लाखों बेटे बेटियां हैं, अपने आप राज्य चलाएगा, केंद्र का भी, सब जगह का। ऐसे पावरफुल बच्चे बन रहे हैं। अभी भी छोटे छोटे बच्चे ऐसा ऐसा दिखाते कि कईयों को स्कॉलरशिप मिलता, कईयों को क्या, कोई मिनिस्टर बन रहे, कोई कुछ बन रहे, कोई कलेक्टर बन रहे, कोई IG बन रहे। लौकिक विद्या में आध्यात्मिक विद्या मिला दो, सब पावरफुल हो जाता है। साल 2008 से स्कूलों कॉलेजों में आयोजित हो रही दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता हर साल नए आयामों को छू रही है। नए नए साहित्य, पहले से और अधिक पुरस्कार, विद्यार्थियों और विद्यालयों की बढ़ती संख्या, इससे मालूम होता है कि किस कदर प्रतियोगिता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। युवा धन सुरक्षा अभियान को और व्यापक बनाते हुए परम पूज्य बापूजी ने ब्रह्म संकल्प किया था कि यह अभियान 25 लाख को भी पार कर जाएगा। आज उसी के इतने सुंदर परिणाम सामने आ रहे हैं कि लाखों लाखों विद्यार्थी हर वर्ष इसमें हिस्सा ले रहे हैं। युवा धन अभियान आपका 12 लाख का प्रोजेक्ट है, लेकिन 12 लाख तो हंसते खेलते हो जाएगा, 25 तक पहुँच सकता है, चिंता करने की बात है। अभियान आपका बिल्कुल सफल होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। परम पूज्य बापूजी के संकल्प का ही तो यह परिणाम रहा कि वर्ष 2012 की प्रतियोगिता में पंजीकृत हुए 25,94,840 विद्यार्थी। तो आप भी देश के इन भावी कर्णधारों की उन्नति हेतु विद्यार्थी उत्थान के इस दैवी कार्य में जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप प्रतियोगिता की मार्गदर्शिका भी देख सकते हैं या अहमदाबाद बाल संस्कार मुख्यालय में संपर्क कर सकते हैं। में ऑस्ट्रेलिया में जन्म दिवस पर बर्थडे केक पर लगी कैंडल्स यानी मोमबत्तियों को फूंक से बुझाकर केक बांटने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में कानून पास हुआ है कि इस तरह से बस मनाने व केक बांटने से बच्चों में इन्फेक्शन फैलता है और उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है और आगे चलकर ऐसा केक खाने वाले बच्चों को कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट स्टीव हैमिल्टन ने बताया है कि फूंक मारने से मोमबत्तियां बुझाने पर हजारों बैक्टीरिया वहां समा जाते हैं जो बाद में हानिकारक नतीजे देने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद भी इस तरह की स्वास्थ्य योजना भारत में लाने पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे देश में भी इस तरह का एक कानून होगा जिसमें बर्थडे केक पर लगी मोमबत्तियों को बच्चा फूंक से बुझाकर अन्य बच्चों को केक नहीं बांट सकेगा। ताज्जुब की बात है कि बापू के साधक तो बगैर कानून लाए ही इसे मानते आ रहे हैं, क्योंकि बापू जी ने जो बातें बरसों पहले बोली थी उन बातों पर आज विदेशी सरकारें ठप्पा लगा रही हैं और हमारे देश में उन बातों की कीमत अब बढ़ने लगी है। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई, जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम।
हो अंबर सुखदाई, जल सुखदाई हो पवन सुखदाई, बधाई हो बधाई। बापू कई बार समझाते रहे हैं कि हमें अपने बच्चों का और अपना जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए। हमें मोमबत्तियां बुझाने की बजाय हमें दिए जलाने चाहिए। आइए सुनते हैं बापू की जुबानी। वो केक काटते थे और फूकते थे, थूकते थे, हैप्पी बर्थडे। मैं क्या, मंकी बर्थडे, नॉट हैप्पी बर्थडे। रियल बर्थडे नहीं है, रियल बर्थडे है स्वस्तिक बनाओ और उस पर तुम्हारी 30 साल उम्र हो गई तो 30 दिए जलाओ, 50 हो गई तो 50 जलाओ, 51वां दिया बीच मध्य में कोई धर्मात्मा व्यक्ति जलाए। और तुम्हारे जीवन में आज तक जो प्रकाश था, सुख था, भगवान करे कि ये नए वर्ष में आपके जीवन में विशेष आनंद, विशेष प्रकाश, विशेष समझ हो। पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, आकाश सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, नक्षत्र सुखदाई हो, जन्मदिवस बधाई हो, देव सुखदाई हो, माता सुखदाई हो, कई जोड़ दो। ऐसा करते करते बधाई हो बधाई हो। फिर अगर सीरा करो, जो भी करते प्रसाद, फल फ्रूट जो भी, थाल रखो और जय जगदीश अथवा जय देवी देवता की आरती करके प्रसाद बांटो। ये तो है रियल बर्थडे। ओ बासी केक काटा, उसमें क्या क्या गंदी चीज़ें पड़ती है, खाने के लिए क्या क्या केमिकल पड़ते हैं, और फिर और फूकने में लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकते, ये गंदगी हमारे देश में अच्छी नहीं लगती। बापू जी ने बच्चों को जीवन ये 8 सूत्र बताए हैं जो बहुत ही सरल हैं, और वो सूत्र भी ऐसे हैं जिन्हें हंसते खेलते अपनाया जा सकता है। बच्चों के जीवन में आठ सद्गुण आने ही चाहिए। एक तो शांत रहना सीखो मेरे बच्चे। ओ इतना उच्चारण किया और मन में शांति। ऐसा 10 मिनट ध्यान करे सभी बाल संस्कार के बच्चे, फिर देखो वो बच्चे कैसा क्रांति लाते। बालक 10-12 मिनट हरी ओ इतना तो बोल लिया, फिर गहराई में शांत।